हेलो एवरी वन दिस इज सोनिया एंड वी आर वॉचिंग सोविक्स ब्लॉग तो आई होप आपने मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप पब्लिक केयर चूज़ करते हैं या प्राइवेट केयर चूज़ करते हैं तो दोनों के क्या प्लस हैं क्या माइनस हैं और जब हम लोग आईलैंड आए थे और मैं प्रेगनेंट थी तो मैंने किस तरह से प्रोसीजर फॉलो किया था एंड हाउ आई डिलीवर माई बेबी तो इस वीडियो में आ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने हॉस्पिटल बैग में कैरी करनी चाहिए जी हाँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं आ, मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने अपना फ़र्स्ट बेबी डिलीवर किया था तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो आ, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि आ, मेरे पास होनी चाहिए थी तो दीज थिंग्स मैंने अपने सेकेंड बेबी के टाइम पर थोड़ा टेक केयर किया तो वही चीज़ें मैं आपको भी आज प्रॉपर लिस्टिंग करके बताऊँगी कि क्या क्या है जो आप अपने हॉस्पिटल बैग में कैरी ज़रूर करें बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप ट्रिक जी हाँ क्या है ना कि आपकी बॉडी को तो रेस्ट चाहिए होता है लेकिन बच्चे सोने नहीं देते छोटे बच्चे तो उन्हें कैसे फटाफट से सुलाया जाए इसके लिए एक टिप है एक ट्रिक है जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी तो आप प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए और अपने बच्चे को इजीली सुला दीजिए और आप भी रेस्ट कीजिए नॉर्मली क्या होता है ना कि आप जिस भी हॉस्पिटल से अपना प्रोसीजर फॉलो करवा रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी केयर करवा रहे हैं वो लोग आपको एक बुकलेट देते हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि बेबी का टेक केयर कैसे करना है प्रेगनेंसी में क्या क्या आपको अपनी टेक केयर करना है और उसमें लिस्टिंग भी होती है नॉर्मली कि बेबी के लिए क्या सामान चाहिए आपके लिए क्या सामान चाहिए बट बहुत सी चीज़ें ना उसमें मेंशन नहीं होती है छोटी छोटी सी चीज़ें जिनकी हमें ऑन द मोमेंट है ना ऑन द स्पॉट लगता है कि काश ये होती तो अच्छा होता तो मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी और आपके बैग में मिस हो गई है तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना बैग पैक कीजिए तो देखिए सबसे पहली चीज़ बैग पैक करने के लिए क्या है वो ये है कि आप अगर थर्टी फाइव वीक्स प्रेगनेंट हो गए हैं थर्टी फाइव वीक्स आपके पूरे हो गए हैं तो फटाफट से अपना बैग रेडी कर लीजिए जी अगर आप आपका नाइन मंथ स्टार्ट हो गया है तो आप अपना जो बैग है वो रेडी कर लीजिए क्योंकि क्या ना मोस्टली होता है कि बेबी ड्यू डेट से पहले ही आ जाता है तो वेट मत कीजिए कि क्या आपकी ड्यू डेट है और ठीक है उसके हफ्ते या चार पाँच दिन पहले हम बैग पैक कर लेंगे बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आप नाइन मंथ्स में स्टार्ट हो गए हैं आपके थर्टी फाइव वीक्स कंप्लीट हो गए हैं तो प्लीज़ अपना बैग पैक स्टार्ट कर दीजिए और उसे प्रॉपर जगह पर रख दीजिए अब मैं आपको इतनी जल्दी बैग पैक करने के लिए क्यों बोल रही हूँ बिकॉज uh, मैंने भी एक्सपीरियंस किया था uh, मेरा जो फर्स्ट बेबी था सोविक वो uh, हुआ था ड्यू डेट के बाद लेकिन जो मेरी सेकेंड बेबी थी निविका वो ड्यू डेट से ऑलमोस्ट टू टू एंड हाफ वीक्स पहले हो गई थी तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि uh, आप अपना बैकपैक कर लीजिए अगर आपके थर्टी फाइव थर्टी सिक्स वीक हो गए हैं तो नाउ अब बैकपैक करने के लिए uh, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फर्स्ट थिंग ये कि आप हमेशा दो बैग बनाइए जी हाँ दो बैग लीजिए एक बैग लीजिए बेबी के लिए और एक बैग लीजिए आप अपने लिए उससे क्या होता है ना कि जैसे जो भी आपके साथ आपका पार्टनर या आपके फैमिली मेम्बर जो भी आपके साथ है सामान उन्हें भी निकालने में इजी होता है और आपको भी निकालने में कई बार होता है ना कि आप नहीं निकाल सकते जैसे आफ्टर डिलीवरी यू नीड रेस्ट तो ढूंढना चीज़ें इजी होती है ना कौन सी चीज़ें कहाँ हैं और बेटर है कि जो भी आप बैग पैक कर रहे हैं ना अपने लिए और अपने बेबी के लिए तो जो फैमिली मेंबर आपके साथ हॉस्पिटल जाने वाला है उसे भी आप सारी चीज़ों के बारे में बताएं कि आपने क्या सामान रखा है और कहाँ रखा है क्योंकि वहाँ पर ना ढूँढने वूढ़ने में बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार कई बार कुछ चीज़ें फटाख से जगह होती हैं तो इसलिए आप वो सारी चीज़ें उन्हें भी बताएं क्योंकि आप देखिए इट्स बेटर कि बेबी नॉर्मल हो लेकिन अगर नॉर्मल नहीं होता सिजेरियन होता है तो आप उस पोजीशन पे कुछ टाइम के लिए नहीं हो पाते ना कि आप सारी चीज़ें मैनेज कर पाओ कर पाओ तो इट्स बेटर कि अगर किसी को पता है जो आपके साथ वहाँ पर है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी एक हेल्प होती देखिए अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको सेम uh, डे या वेरी नेक्स्ट डे आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं आप घर आ जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उस टाइम पर आपको सामान भी इतना नहीं जरूरत पड़ती है लेकिन अगर आप कभी भी ऑपरेशन से हुआ है सी सेक्शन से हुआ है तो उस केस में कभी आपको तीन दिन रुकना पड़ सकता है कभी चार दिन इट्स डिपेंड कि आपकी बॉडी किस तरह से रिकवर करती है आपकी सिचुएशन क्या है तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जब भी अपना और अपने बेबी का बैग पैक करें तो वो हमेशा थ्री फोर डेज़ के अकॉर्डिंग ही करें तो चलिए जल्दी से करते हैं बैग पैक तो सबसे पहले आप अपना बैग पैक कीजिए जी हाँ सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ लिस्टिंग आपके अपने लिए जो आपको अपने बैग में अपने लिए रखनी है तो फर्स्ट थिंग आती है आप रखिए कोई भी लूज फिटेड या तो लॉन्ग टी शर्ट ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए लॉन्ग नाइट ड्रेस गाउन टाइप वो ले लीजिए और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आप बटन वाले लीजिएगा जी हाँ टाइट यू नो नेक वाली नहीं जिसमें बटन्स होते हैं वो लेना डिस्पोजेबल अंडरवेयर थ्री टू फोर और आप सॉक्स ले लीजिए टू टू थ्री या फोर भी ले सकते हैं वन पे कम्फर्टेबल स्लीपर जी हाँ कम्फर्टेबल स्लीपर बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी टाइट सोल वाला ना आपको इरीटेट कर सकता है ना तो ट्राई कीजिए कि कम्फी वाले ही आप स्लीपर्स लें और फिर उसके बाद अपने हेयर्स को ठाई करने के लिए लूज़ रबर बैंड या कुछ क्योंकि यू you नो know, बाल ओपन उस वक्त आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं तो हेयर टाई करने के लिए लूज़ रबर बैंड्स आप थ्री फोर रबर बैंड रख लीजिए तो फिर हम पैक करते हैं टूथब्रश टूथ पेस्ट शावर जेल एंड बॉडी मॉइस्चराइज़र फेस वॉश फेस क्रीम फेस मॉइस्चराइज़र तो और हाँ ये ट्राई कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें ना आप छोटे छोटे पैकेट्स लें वो बिग बिग वाले 500 हंड्रेड या 300 सौ वाले ना लें क्योंकि यू नो जो जो आपका बैग है ना वो थोड़ा कॉम्पैक्ट होना चाहिए छोटा होना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल में ना कई बार इतनी जगह नहीं होती है देखिए आई डोंट नो कि आप प्राइवेट जाने वाले हैं पब्लिक जाने वाले हैं आपको किस टाइप का रूम मिलने वाला है तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा छोटा ही बैग पैक कीजिए तो ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी लीजिए बड़ी बड़ी नहीं इससे थोड़ी जगह भी बचेगी और आप अकोमोडेट कर पाएंगे अच्छे से अपना सारा सामान देन नेक्स्ट आता है आपका मेटर्निटी सैनिट्री पैड जी हाँ डिलीवरी के बाद हेवी ब्लीडिंग होती है तो ये जो पैड्स होते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं तो आप एटलीस्ट टेन टू ट्वेल्व अपने साथ कैरी कर लीजिए एंड रेस्ट आप परचेस करके घर पे रखिए ताकि जो भी आपसे मिलने आ रहा है अगर आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन रुकना पड़ता है तो वो इजीली आपके लिए ला सकें देन आती है टॉवल ले लीजिए आप एक छोटी फिर है आपके लिए नर्सिंग ब्रा ये आप टू टू थ्री ले सकते हैं एंड देन नर्सिंग पैड जी हाँ ब्रेस्ट पैड जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी है वो आप बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि यू नो डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट एक दिन के बाद ना काफ़ी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है तो और बेबी को तो इतना जल्दी जल्दी आप नहीं पिला पाते हो तो इसलिए बेटर है कि आप ब्रेस्ट पैड यूज़ करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देन आप थ्री टू फोर पेयर अपने लिए कपड़े रख सकते हैं और सारे कपड़े ट्राई कीजिए लूज़ फिटेड और जैसा मैंने बताया कि बटन वाले होने चाहिए क्योंकि आपको बार बार बेबी को मिल्क पिलाना पड़ता है तो जो बटन वाला होता है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है और फ़ोन चार्जर हेडफोन्स ये भी बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए शुरुआत में ज़्यादा काम आते हैं जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना यू डोंट नो कि बेबी कितनी देर में होने वाला है आपको वेट करना पड़ता है यू नो लेबर स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है तो उस टाइम पे ये आपके ज़्यादा काम आते हैं बेबी के बाद भी काम आते हैं बट इतने नहीं आते क्योंकि उस टाइम तो आपका बेबी ही आपको टाइम नहीं देता एंड आपको भी आपकी बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है बट स्टिल ये चीज़ें आपको काम आती हैं तो इन्हें भी ज़रूर रखिएगा फ़ोन चार्जर एंड हेडफोन्स तो अब बारी है बेबी का बैग पैक करने की तो जो बेबी के बैग में आपको रखना है देखिए वो आप सबसे पहले लीजिए बेबी वेस्ट जी हाँ फ़ाइव सिक्स ले लीजिए बेबी के सारे कपड़े ना आप फाइव सिक्स ले सकते हैं क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो कई बार वो दूध भी गिराते हैं और यू नो स्मेल हो जाती है तो उनके कपड़े हम कई बार दिन में दो बार भी बदल देते हैं तो फाइव सिक्स तो एटलीस्ट आप ले लीजिए वैसे बेबी के एक तो बहुत छोटे छोटे से कपड़े होते हैं तो वो ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं छोटे से बैग में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं तो फाइव सिक्स बेबी वेस्ट हो गए देन फाइव सिक्स बेबी ग्रो सूट फिर बेबी की हैट ले सकते हैं आप थ्री या टू ले लीजिए बेबी टॉवल एंड बिब्स बिब्स बहुत ज़रूरी है जैसा मैंने बताया बच्चे दूध बहुत गिराते हैं शुरुआत में तो बिब आप तीन चार या पाँच भी ले लीजिए क्योंकि यू डोंट नो कि कोई कितना फ्रिक्वेंटली आपके पास आप आ पा रहा है कपड़े वापस जाते हैं नहीं जाते हैं यू नो हो सकता है आपको एक कलेक्ट करके रखना पड़े तो आप थ्री फोर बिब या फाइव बिब भी ले सकते हैं एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नैपीज या बच्चों की नैपीज शुरुआत में जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए हमें एक दिन में छः सात या कभी कभी आठ नैपीस भी लग जाती हैं एक्चुअली यू नो बहुत थोड़ी थोड़ी सी पोटी करते रहते हैं तो ये आ, आपको एक अच्छा खासा पैकेट लेना पड़ता है और घर पे तो डेफिनेटली आप रख ही दीजिएगा लेकर के ताकि जो भी आ, आ रहा है अगर आपको और ज़रूरत होती है तो वो आपके साथ ला सके और देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना घर पर आप ट्राई कीजिए कि घर पर आप अपने लिए जो सामान है जो आपको लगता है कि अगर आपने कम पेयर लिया है और आपको ज़रूरत पड़ेगी कपड़ों की या किसी भी चीज़ की या बेबी के लिए तो वो सारी चीज़ें ना एक ही जगह पर रखिएगा ताकि जो भी आ रहा है उसे ईजिली वो आपके लिए यू you नो know, सारा सामान ला सके देन आप बेबी के लिए एक बेबी ब्लैंकेट ले सकते हैं एंड एक आते हैं आपके बेबी रैप जी हाँ बेबी रैप ले लीजिए टू टू थ्री एंड प्लीज़ कैरी अ गुड बेबी मॉइस्चराइज़र बेबी रैश क्रीम एंड गुड बेबी वाइप्स Yes, these are आर वेरी for फॉर द बेबी सो प्लीज़ कैरी एंड आई to टू carry वन comb फॉर यू as वेल well. अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप बेबी को फीड कराते हैं ना उसे दूध पिलाते हैं तो उसके बाद अपनी ब्रेस्ट को अपने निपल्स को अच्छे से क्लीन कीजिए और किसी भी बेबी फ्रेंडली मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज कीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज़ निपल्स में न क्रैक आ जाता है जी हाँ मेरे साथ ये हुआ था इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि शुरुआत में मुझे नहीं पता था तो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई थी यू you नो know, मेरे उसमें भी क्रैक्स आ गए थे और ब्लड आने लगा था बट देन समबडी टोल्ड मी एंड आई टेक केयर ऑफ़ देम तो इसीलिए अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हैं आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप एवरी टाइम जब भी बेबी को फीड कराते हैं उसके बाद अपने निपल्स को अपने ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन कीजिए और उसे किसी भी बेबी फ्रेंडली जी हाँ क्योंकि बेबी बार बार आपका दूध पिएगा तो बेबी फ्रेंडली मॉइस्चराइजर से हल्का सा लगा करके मॉइस्चराइज कीजिए ताकि आपके क्रैक्स ना आए तो ये सारा सामान था आपके लिए और बेबी के लिए आप कुछ चीज़ें देखिए डिपेंड करेंगी कि आप बहुत ज़्यादा अगर ठंडा मौसम है तो उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ वार्म कपड़े रख सकते हैं आपके लिए बेबी के लिए वैसे तो अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है बट स्टिल एज पर द सीज़न आप एक आध चीज़ें अगर विंटर में हैं तो वार्म रख सकते हैं एंड ऑफ कोर्स जब आपको घर जाना है तो आप अपने लिए जो भी ड्रेस मंगवाना चाहते हैं वो आप ले लीजिए मंगवा लीजिए बाद में अपने बेबी के लिए अगर आपके बेबी से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं uh, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बट यस आई डिलीवर टू बेबीज तो शायद मेरा कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आ जाए तो मैं डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड इफ़ यू वॉन्ट कि मैं uh, कोई और भी uh, वीडियो बनाऊँ बेबी से रिलेटेड या यू uh, नो you know, प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो प्लीज़ अपने सजेशन्स भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वैसे मैं कुछ और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगी तो नाउ इट्स टाइम कि वो क्या ट्रिक है और वो क्या टिप है जिससे uh, बच्चे आराम से सोएंगे और आप भी आराम से सोएंगे तो देखिए क्या होता है ना जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी नींद टूटती रहती है काफ़ी ज़्यादा तो जो मैंने आपको बेबी रैप्स बताए थे ना कि वो आप ले लीजिएगा वो बहुत मैजिकली काम करते हैं जी हाँ आप ट्राई कीजिए कि अपने बेबी को अच्छे से बेबी रैप के अंदर रैप करें और फिर सुलाएं उससे क्या होता है ना बच्चे को छोटे बच्चे को ऐसा फील होता है कि वो अभी भी ना अपने मम्मा के टमी में है तो वो बहुत कंफर्टेबली और बहुत आराम से लंबे टाइम तक सो जाते हैं और ये चीज़ ना आ, मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ की थी शुरुआत में सोविक के टाइम पे मैंने इसको एक्चुअली रियलाइज किया था कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है जब मैं नहीं करती थी ना उसे रैप तो वो बहुत डिस्टर्ब रहता था एंड देन जब भी मैं उसको रैप करके सुलाती थी तो वो बहुत आराम से सो जाता था तो इसीलिए बेबी रैप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ जो बेबी रैप है ना ये आप आराम से टू मंथ्स थ्री मंथ्स तक सोविक के टाइम तक तो मुझे याद है आई थिंक थ्री एंड हाफ या फोर मंथ्स तक मैंने इसे यूज़ किया जब तक बच्चा अच्छे से ना हाथ पैर फैलाकने और फेंकने नहीं लग जाता ना तब तक आप आराम से इन्हें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद तो देखिए कोई रैप काम नहीं करता बच्चे सब हटा देते हैं बट हाँ इनिशियल में आप ये बेबी रैप यूज़ कीजिए टू मंथ्स तक थ्री मंथ तक जैसे भी आपकी बेबी की ग्रोथ होती है और उसका मूवमेंट रहता है उससे बच्चे बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से सोते हैं तो आप भी अच्छे से और प्यार से सो पाएंगे तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए एंड अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो टेक केयर बाय बाय मैं मिलूँगी आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ बाय